माजिद हैदरी, अब मैं आपके पास आऊंगा। माजिद हैदरी, आपको नहीं लगता ये जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं जिनमें कश्मीर के स्थानीय युवा भी हैं ऐसे सूत्र बता रहे हैं, ये कश्मीर की इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत बन चुके हैं? देखें गौरव साहब, आज कश्मीर में बहुत हालात खराब हैं। अगर आप मुझे बात करने देंगे तो मैं इस शो पे रहूंगा, वरना मैं अभी निकल जाऊंगा। अगर आप मुझे टोकेंगे तो मैं तो आपसे सवाल पूछा इसीलिए कि आप बात करें। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं बात ही आपको समझाऊंगा। देखिए आपने कहा हिंदू मारे गए हैं, सिख मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक रोज पहले आंकड़े दिए, उन्होंने कहा कि 28 सिविलियन अभी तक कश्मीर में मारे गए हैं, उसमें से 6 नॉन मुस्लिम हैं और 21 जो हैं 22 जो हैं वो मुसलमान हैं। तो आप सबसे पहले हिंदू और मुसलमान की बात छोड़ दें। अब इन्हीं 6 में से जिन हिंदू और मुसलमानों की आप बात करें, मैं आपको बता दूं उनमें से एक गरीब गोलगप्पा बेचने वाला वीरेंद्र पासवान था। वीरेंद्र पासवान गरीब, अपने घर के लिए कश्मीर में कमाता था, लेकिन जब उसकी हत्या हुई तो जम्मू कश्मीर की जो अयाश सरकार है, जो हमारे मनोज सिन्हा जी चला रहे हैं, उन्होंने देखिए आप अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा। नहीं देखिए, मैं आप चाहे शो पर रहें या ना रहें मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माजिद हैदरी, बिल्कुल मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, चाहे आप शो पर रहें या ना रहें, आप अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कंडेम करूंगा। और माजिद हैदरी जा चुके हैं, जिसका मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए या किसी भी शख्स के लिए आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संगीत रागी, क्या ऐसे ही लोग क्या और ज्यादा कश्मीर में चीजों को और हवा दे रहे हैं? ये क्या मतलब सरकार के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल? पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता है यहां से। देखिए दो बातें मैं कहना चाहता था। पहली बात तो कि जो जितने टेरर मॉड्यूल्स को यदि आपको कंटेन करना है तो उनके आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स और जो टेलीफोनिक प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये पुलिस करती रही है और उसको व्यापक तरीके से और आपको नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात, माजिद हैजरी जैसे लोग, ये वही लोग हैं ना जो 370 के लिए फूट फूट करके रोते थे। 35A जब ख़त्म हो गया था तो कहते थे कि से कश्मीर में भयानक तूफान आ जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। देखिए कश्मीर की फिजा बदल रही है, ध्यान रखने की बात है कि जब बदल रही है तो ऐसे में जिन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाया और उसकी जड़ों को सींचा, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, PDP भी शामिल है और अन्य टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो हैं ही, उन सबके लिए एक कष्ट है। वहाँ पर यदि डेमोक्रेटिक प्रोसेस यदि लोकतांत्रिक पद्धति यदि काम करने लगे, संस्थाएं काम करने लगे कश्मीर में अमन चैन। सवाल ये ना संगीत जी, सवाल ये है कि देखिए मैं ललित जी आ रहा हूँ, लोकतंत्र है, आप भी अपनी बात रखिए, किसी को कुछ अपनी बात रखने है तो वो भी रखिए, लेकिन शब्दों का चयन बहुत सही होना चाहिए। किसी के लिए आप शब्दों का चयन ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप उसमें अपनी बात। शब्दों के चयन में भी एक संवैधानिक व्यवस्था के प्रमुख, राज्यपाल प्रमुख होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन है और आप उसके लिए अयास, डिबेट डिरेल ना हो जाए और हम उधर ना चले जाएं जो करने की कोशिश कर रहे थे। माजिद हैदरी, हम अपने विषय पर रहते हैं, इसी पर बात करेंगे। ललित अंबरदार, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, संगीत जी आपके पास भी आ रहा हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।